हेलो गाइज, वेलकम टू विंटर शूट्स। मेरा नाम है राहुल और इस वीडियो में हम बात करेंगे रियलमी 2 स्मार्टफोन के बारे में। रियलमी 1 पे मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए थे और अब लॉन्च होने के बाद कई लोगों ने मुझे रियलमी 2 को कवर करने के लिए बोला है। रियलमी 2 के लॉन्च से मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, आई एम श्योर आप भी होंगे, बट फिर भी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्कोप है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो गाइज, Realme 2 आपको ऐसे काफ़ी सारे फीचर्स देने की कोशिश करता है जो Realme 1 में आपको नहीं मिले थे। यहाँ पे सबसे पहले आपको नॉच वाला डिस्प्ले मिलता है 9000 के प्राइस में। 6.2 इंच का डिस्प्ले है, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है, क्लियरली मेंशनड है इस बार, और पूरा जो डिस्प्ले है वो HD+ रेजोल्यूशन के साथ मिलता है। यहाँ पे एक कमी है, इस डिस्प्ले की जो मैक्सिमम ब्राइटनेस है वो 380 निट्स की है। नॉर्मली एक स्टैंडर्ड ब्राइटनेस जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इवन लोअर रेंज के फ़ोन से, वो है 450 से 500 निट्स की ब्राइटनेस। अगर ब्राइटनेस इससे कम है तो आपको सनलाइट में आउटडोर्स अगर आप फ़ोन को यूज़ करेंगे तो आपको रोशनी में रिफ्लेक्शन काफ़ी देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है इस डिस्प्ले के साथ। अदरवाइज़ जो फ़ोन का डिस्प्ले है वो ठीक है, 9000 के प्राइस में HD डिस्प्ले ठीक है, जैसा और भी कॉम्पिटिशन दे रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, लेकिन नॉच डिज़ाइन और डिस्प्ले प्रोटेक्शन एक अच्छी बात है। 4230 mAh की बैटरी है, बड़ी बैटरी है और ये 2 दिन आराम से चलनी चाहिए। यहाँ पे लेकिन कोई फास्ट चार्जिंग नहीं है, स्लो चार्जिंग है। 5V 2 एम्पीयर का चार्जर आपको बॉक्स में मिलता है और करीब 3 घंटे का आप टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप बैटरी को 0 से 100% चार्ज करने बैठोगे। इसके बाद दोस्तों, इस फ़ोन में कैमराज में भी थोड़ा चेंज किया है। फ्रंट में वही 8 मेगापिक्सल का कैमरा है रियलमी 1 के जैसा, लेकिन पीछे 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के ड्यूअल कैमराज दिए हैं इस बार। 2 मेगापिक्सल का कैमरा जो है वो डेप्थ सेंसिंग के काम में आता है पोर्ट्रेट और बोके शॉट्स के लिए। लेकिन गाइस, जो कैमरा क्वालिटी है वो रियलमी 1 के जैसी ही है इस बार भी, कोई ज़्यादा खास इम्प्रूवमेंट्स नहीं है और लो लाइट में परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन है। आई थिंक ये बिकॉज प्रोसेसर थोड़ा यहाँ पे स्नैपड्रैगन 450 है जो लोअर है प्रोसेसिंग में हीलियो P60 से, इसी वजह से जो फोटोज़ की क्वालिटी है वो भी लो लाइट में उतनी अच्छी नहीं आ रही, प्रोसेसिंग उतनी अच्छी नहीं मिल रही है हमें। बट 9000 के हिसाब से अगेन जो कैमरा क्वालिटी है वो ठीक है। बिल्ड फ़ोन की इस बार भी प्लास्टिक है या पॉलीकार्बोनेट आप कह सकते हैं कंपनी के टर्म्स में, और पीछे जो बैक है वो ग्लास जैसी दिखती है बट वो भी प्लास्टिक है। तो बिल्ड पूरी प्लास्टिक की है, मैं ये नहीं कह रहा कि प्लास्टिक बिल्ड बुरी बात है, लेकिन ये प्लास्टिक की बिल्ड है, यहाँ पे मेटल और ग्लास का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया गया है। यहाँ पे दोस्तों आपको ड्यूअल VoLTE का सपोर्ट मिल रहा है, ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। स्नैपड्रैगन 450 है लेकिन ड्यूअल VoLTE का सपोर्ट है और माइक्रो SD कार्ड लगाने के लिए डेडिकेटेड स्लॉट है और 256 GB तक का आप माइक्रो SD कार्ड इस फ़ोन में लगा सकते हो। 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज वाला मॉडल इसका आपको मिलता है 9000 में, और 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज वाला मॉडल आपको मिलेगा 11000 रुपये की प्राइस में। अब गाइज, यहाँ पे जो 11000 रुपये वाला मॉडल है वो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर 11000 रुपये का आपका बजट है तो आप Realme 1 का 4 GB वेरियंट ले सकते हो जो इससे बेहतर परफॉर्म करेगा आपके लिए और इससे बेटर डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों, अगर 9000 का आपका बजट है तो Realme 2 एकमात्र ऑप्शन है मेरे हिसाब से मार्केट में जो टॉप ऑप्शंस में आएगा, क्योंकि Realme 1 का 3 GB फ़िलहाल अवेलेबल ही नहीं है, कंपनी इसे डिसकंटिन्यू कर चुकी है Realme 1 का 3 GB मॉडल। तो शायद आपको उसके लिए OLX या क्विकर में जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी भी 9000 में बेस्ट फ़ोन था Realme 1 का 3 GB वेरियंट, और उसके बाद ये Realme 2 का 3 GB वेरियंट आता है। अब एक एक्स्ट्रा चीज़ जो Realme 1 में आपको नहीं मिलेगी और Realme 2 में मिलेगी वो है फिंगरप्रिंट सेंसर, जो फ़ोन के बैक साइड में आपको मिलता है इस बार। फिंगरप्रिंट सेंसर कई लोगों को पसंद है, मैक्सिमम लोग इसे यूज़ करना पसंद करते हैं, और Realme 2 का फिंगरप्रिंट सेंसर अच्छा काम करता है, फास्ट है, रेस्पॉन्सिव है। तो फिंगरप्रिंट सेंसर आपको ज़रूरी है तो आप Realme 2 कंसिडर कर सकते हो। अब दोस्तों, अगर आप गेमिंग वगैरह का शौक़ रखते हो तो Realme 2 आपके लिए नहीं है। आप Asphalt 8 या PUBG जैसे गेम हाई ग्राफिक्स में खेलना चाहते हो तो Realme 2 आपके लिए नहीं है, आपको लैग्स फील होंगे और हाई ग्राफिक्स में ये गेम नहीं वर्क करेंगे Realme 2 पे, तो आपको Realme 1 ही देखना पड़ेगा फिर से। Realme 2 उन लोगों के लिए है जिन्हें चाहिए बड़ी बैटरी, अच्छा मॉडर्न डिज़ाइन, उन्हें HD डिस्प्ले से उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे इस प्राइस में आपको HD डिस्प्ले ही मिलता है,
और जो नॉर्मल यूज़र्स हैं, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, आपने ब्राउजिंग कर लिया, फेसबुक चैटिंग, कॉल्स कर लिए, एसएमएस कर लिए, उन लोगों के लिए ये फ़ोन बढ़िया काम करेगा, Realme 2। तो गाइज ये था ओवरऑल Realme 2 के बारे में। मेरे हिसाब से जो प्रोसेसर है, Helio P60 था Realme 1 में और यहाँ सीधा Snapdragon 450 जो एक एंट्री लेवल प्रोसेसर दे दिया है कंपनी ने, जो काफ़ी बड़ा डाउनग्रेड है मेरे हिसाब से। और दूसरी बात, जो डिस्प्ले है वो HD प्लस है, लेकिन उससे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे इसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस को लेकर है। अगर आप आउटडोर्स ज़्यादा यूज़ करते हो फ़ोन को, या दिन के सनलाइट में यूज़ करते हो, तो आपको इस फ़ोन के डिस्प्ले में दिक्कत आएगी यूज़ करने में, ऐसा मेरा मानना है। तो गाइज ये दो ड्रॉबैक्स हैं Realme 2 के, बट अदरवाइज ओवरऑल एज अ पैकेज अच्छी ऑफरिंग है। इस प्राइस 9000 के प्राइस में आपको इतनी बड़ी बैटरी, ड्यूअल वोल्टी डिज़ाइन, फिंगरप्रिंट सेंसर, डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट, ये सब दे रही है कंपनी, और एंड्रॉयड पी का भी अपडेट आपको इसमें मिल जाएगा। फिलहाल ये एंड्रॉयड ओरियो 8.1 पे रनिंग है ColorOS 5.1 के साथ। ColorOS में आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो MIUI में मिलते हैं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स या डेवलपर ऑप्शंस। अगर आप इसमें ऑन करोगे तो आपको हमेशा फ़ोन के टॉप पे एक नोटिफिकेशन में येलो बार देखने को मिलेगा, जो आपको अनॉइंग लग सकता है। दूसरा, इसमें SMS वगैरह की ऐप्स आप चेंज नहीं कर सकते सिस्टम ऐप्स, क्योंकि वो सिक्योरिटी की वजह से ओप्पो का ColorOS रेस्ट्रिक्ट करता है। तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं ColorOS में, बट अदरवाइज फ़ीचर्स काफ़ी हैं। तो ये चीज़ आपको देखनी होगी। ColorOS के फ़ीचर्स पर मैं सेपरेट वीडियोज़ अपने चैनल पर बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हो। तो गाइज ये था ओवरऑल Realme 2। मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ी अपग्रेड नहीं है। नाम के हिसाब से हमें लगा कि Realme 1 से कुछ एक्स्ट्रा निकल कर आएगा, काफ़ी हाइप बनाई थी कंपनी ने, लेकिन अब कुछ और ही निकल के आ रहा है। मेरे हिसाब से ये Realme 1 Lite या Realme 0.5 हो सकता था। फिलहाल Realme के CEO का कहना है कि Realme 2 इज़ अ डिफरेंट कैटेगरी, नेमिंग हम वैसे नहीं रखते, Realme 2 इज़ एन ऑलराउंडर एंड Realme 1 वॉज फोकस्ड ऑन परफॉर्मेंस। ये उनका कहना है, क्योंकि Realme 2 को काफ़ी नेगेटिव फीडबैक मिला, बिकॉज Realme 1 की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी। अपने आप में Realme 2 9000 में एक डिसेंट फ़ोन है, लेकिन ऐसे ही फ़ोन आपको दूसरे ब्रांड से भी मिलते हैं। इसके कंपटीशन में आ जाता है Honor का 7A और Redmi का 5, जो कि आपको सॉर्ट ऑफ सिमिलर परफॉर्मेंस देंगे, बट कुछ एरियाज़ में Realme 2, जैसे कि बैटरी है, डिज़ाइन है, डेडिकेटेड स्लॉट है, उन सब चीज़ों में थोड़ा सा आगे निकल जाता है। तो गाइज़ Realme 2 अगर आपका बजट 9000 है और Realme 1 3GB आपको नहीं मिल रहा है, तो आप Realme 2 देख सकते हो, बट अदरवाइज Realme 1 स्टिल बेस्ट फ़ोन है। और अगर 11000 का आपका बजट है तो 4GB वेरिएंट Realme 2 का बिल्कुल मत देखना, Realme 1 का 4GB वेरिएंट देखना, या फिर आप Zenfone Max Pro M1 देख सकते हो। तो गाइज़ ये था मेरा ओवरऑल फीडबैक Realme 2 के बारे में। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। लाइक और शेयर करिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।